हाय गाइस, मेरा नाम है मीरू मुईक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले सब आर्चरी के बारे में। जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आज मैं बात करूंगा भाई साहब जो वर्ल्ड कप के स्टेज 3 के जो पेरिस में शुरू हो रहा था आर्चरी के बारे में, उसके बारे में। तो उसमें भाई साहब इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते भाई साहब। सिल्वर ब्रॉन्ज हमें कुछ नहीं आया, सिर्फ 4 गोल्ड मेडल आए भाई साहब। तो उसी के बारे में एक एक करके बात करेंगे भाई साहब। तो अगर मैं पहले गोल्ड मेडल की शुरुआत करूँ तो पहला गोल्ड मेडल मिला सैटरडे को भाई साहब। अनफॉर्चुनेटली उसका मैं फाइनल मैच नहीं देख पाया, सेमीफाइनल मैंने देखा। फाइनल इसलिए नहीं देख पाया, मुझे लगा भाई साहब फाइनल होगा संडे को, और मुझे लगा कि हो गया सेमीफाइनल आज हुआ फाइनल संडे को होगा, बट 15-20 मिनट में भाई साहब फाइनल हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया भाई साहब। पर हाँ भाई साहब, फाइनल बहुत टफ हुआ, वो शूट ऑफ में गया फाइनल मैच। तो हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ भाई साहब, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू भाई साहब अभिषेक वर्मा। उन्होंने भाई साहब गोल्ड मेडल मेंस आर्चरी कंपाउंड में जीता भाई साहब। तो हाँ, ये तो बात हुई भाई साहब सैटरडे का गोल्ड मेडल के बारे में। आज हमने भाई साहब 3 गोल्ड मेडल जीते, और तीनों में से तीनों के मेडल दीपिका कुमारी उसका पार्ट रही है भाई साहब। तो पहला मेडल भाई साहब हमें मिला आज सुबह, शुरुआत हुई हमारे भाई साहब सेकंड फर्स्ट सेशन में भाई साहब 1:30-2 बजे वो हुई थी भाई साहब हमारे वुमेन्स रिकव टीम से शुरुआत हुई थी भाई साहब। उसमें थी भाई साहब दीपिका कुमारी, कोमेलिका और अंकिता भाई साहब। इन लोगों ने बहुत अच्छे खेले इसमें भाई साहब। दीपिका कुमारी के क्रूशल भाई साहब 10 पॉइंटर थे भाई साहब। और अगर मैं आगे की बात करूं भाई साहब, तो जो अंकिता थी उनका वो कंसिस्टेंट रही थी भाई साहब, 9-10 9-10, तो वो भी बहुत अच्छी खेली भाई साहब। और जो हमारी कोमालिका है भाई साहब, वो भी बहुत अच्छा खेली भाई साहब। तो ये तो भाई साहब हमारे दिन की शुरुआत की। उसके बाद भाई साहब फर्स्ट सेशन एंड हो रहा था, उसके पहले हमें और एक गोल्ड मेडल मिल गया बाय अंतनु दास और दीपिका कुमारी भाई साहब। उन दोनों ने भाई साहब, दीपिका कुमारी की शुरुआत भाई साहब जैसे मैंने बोला वुमेन्स में भी थोड़ी ख़राब थी, इसमें तो भाई साहब इन्होंने भाई साहब अंतनु दास ने हमें बचा लिया भाई साहब। उन्होंने परफेक्ट 10 स्कोर किया भाई साहब। दीपिका कुमारी का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था इस कॉम्पिटिशन में भाई साहब, हाँ, पर वो थोड़ा एंड पे आते उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ लिया था। बट भाई साहब इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अगर किसने दिया भाई साहब, तो भाई साहब अंतनु दास ने बहुत 10 स्कोर किया भाई साहब, एंड ही वॉज इनक्रेडिबल। तो ये तो भाई साहब फर्स्ट सेशन की। अगर सेकंड सेशन जो 5:30 भी शुरू हुआ भाई साहब, शुरुआत भी भाई साहब हमने गोल्ड मेडल जीता भाई साहब। पहले सेमीफाइनल में हमने वन साइड हरा दिया, फाइनल भी भाई साहब इट वॉज लाइक अ वन साइड मैच, और हम फाइनल भी जीत गए। वो ये हुआ था भाई साहब विमेंस रिकव फाइनल, और इसमें भी थी हमारी दीपिका कुमारी भाई साहब। शुरुआत सेमीफाइनल की बहुत अच्छी हुई थी भाई साहब, हमने 6-2 से जितना मुझे याद आ रहा है 5-6-2 से हमने मुकाबला जीता भाई साहब। उसके बाद भाई साहब हमारी बारी आते फाइनल में भी ऐसा ही हुआ, 4-0 से कर रहे थे लीड, फिर एक भाई साहब एक सेट हो गया टाई, और उसका अगला सेट जीत के भाई साहब हमने 6-1 से भाई साहब हमने वो फाइनल जीता, और हमारे भाई साहब 4 गोल्ड मेडल हो गए भाई साहब। तो और ये जो चारों हमें गोल्ड मेडल मिला, ये सारे अब सीधे ये जाएंगे भाई साहब वर्ल्ड कप में जो खेला जाने वाला है सितंबर में। तो भाई साहब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एथलीट जिन्होंने भाई साहब, ऑल द आर्चर जिन्होंने भाई साहब मेडल जीते भाई साहब। तो यही था भाई साहब अपने आज के आर्चरी की तरफ से। सितंबर में जो होगा उसको मैं कवर करूँगा भाई साहब। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस।